थियरी। मैम अगर लाइक वो ऑयलर से भी होता होगा लेकिन फिर भी मतलब पूरा बड़ा मेथड से किया तो चलता है, मतलब वो इन आपके केस, ऊपर है ना, आंसर मतलब है इन केस कि कभी याद नहीं आया तो। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, वो मेथड हमेशा रहता है कि फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करके कोई रिजल्ट लाना है, दैट मेथड विल ऑलवेज बी देयर। होमोजीनियस इज अ ऑल्टरनेटिव मेथड जहां पे आपका कैलकुलेशन पार्ट आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन होमोजीनियस स्ट्राइक नहीं होता है तो ऑब्वियसली फंक्शन दिया है, डेल यू बाई डेल एक्स ढूंढना है, देन पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो वाई, करो एक्स से मल्टीप्लाई करो वाई से मल्टीप्लाई करो एड करो एंड गेट द रिजल्ट, इट इज ऑलवेज देयर। ओके मैम, या वो चलो आपका प्रूव करने के वो अब हम आपका कोरोलरी 2 वगैरह भी लिखना पड़ेगा क्या रीजन में? नो नो नॉट कॉरोलरी टू बट कॉरोलरी टू ऑयलर थियरम, नो नीड टू स्पेसिफाई द कॉरोलरी नंबर बट ऑब्वियसली इट इज बाय द डिडक्शन टू ऑयलर और कॉरोलरी टू ऑयलर थियरम तो इफ थ्योरम योर लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम। बट हाँ थ्योरम लिखना पड़ेगा ना पूरा नहीं, कोरोलरी पूरा 2 का थियरम नहीं, स्टेटमेंट। पूरा थियरम नहीं, आपने उसका क्राइटेरिया लिख दिया कि हियर जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन डिग्री टू एंड ऑल्सो जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, देयरफॉर बाय डिडक्शन टू ऑयलर थियरम वी गेट दिस रिजल्ट। यू डोंट हैव टू, आपने वो कंडीशन लिख दी ना डिडक्शन अप्लाई करने की कि जेड टू वेरिएबल का फंक्शन भी है और जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू भी है, सो इट इज सेटिस्फाइंग दैट डिडक्शन कंडीशन, सो आई कैन अप्लाई द डिडक्शन। ऐसा मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, मैंने जो प्रूफ में लिखा था, जस्ट अ मिनट आई शो यू, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं या मैंने पीपीटी में जब आपको एक्सप्लेन किया है, इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखा है, सिर्फ मैंने बताया भी था कि ये स्टेटमेंट लिखना आपके लिए मैंडेटरी है। अच्छा ये मैक्सिमम मिनिमम आया, एक मिनट। हाँ, वो बाय डिडक्शन ऑफ यूलर्स मेथड हाँ वाला था। हाँ बस यू हैव टू ओनली राइट दैट ओनली। राइट सी, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने होमोजीनियस प्रूव किया, देन आई एम राइटिंग, एक मिनट। हाँ ओके नाउ सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे आई हैव ओनली प्रूव ऑयलर एंड आई हैव रिटन बाय ऑयलर थियरम दिस, और यहाँ पे भी अगर मुझे सेकंड कॉरोलरी अप्लाई करनी है तो इट्स बाय डिडक्शन टू ऑयलर थियरम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन आपका होमोजीनियस है। देन दिस वन जो आपका थर्ड और फोर्थ सॉरी सेकंड और थर्ड डिडक्शन पे यूज होता है, तो यहाँ पे फंक्शन है जेड होमोजीनियस है और फंक्शन ऑफ यू है, Z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू भी है, तो आई ओनली रिटर्न दिस स्टेटमेंट। इफ यू सी, यू कैन सी माई कर्सर, राइट, यस मैम, सो सिर्फ वहां पे मैंने लिखा है कि Z इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ सम डिग्री एंड Z इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई डिडक्शन, देयरफॉर बाय डिडक्शन टू ऑयलर थ्योरम यू ओनली राइट दिस फॉर्मूला एंड डू इट। मैम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल कम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 8, जनरली 8, वो भी अगर थियोरी के साथ पूछा है। इफ ओनली ओके एग्जाम्पल इज आस्क्ड देन इट, अगर एग्जाम्पल के अंदर दोनों रिजल्ट पूछे हैं तो 8 मार्क, एक सिंगल रिजल्ट पूछा है मतलब एक कॉररी के डिपेंड करता हो वैसा, तो जनरली 4 या 6 मार्क में आता है। तो मैम, यहाँ पे मार्क्स कम कहाँ पे होते हैं, कौन से स्टेप, मतलब?
इम्पोर्टेंट है एक उसको। तो बच्चों की जो मैक्सिमम गलती होती है वो यहाँ पे होती है, जब आप डिडक्शन अप्लाई करते हो ना, दे विल मिक्सअप कि ऑयलर का ही मतलब ये वाला यूज करना है, एन इंटू एन माइनस वन यू करना है, या जी ऑफ यू और जी डैश ऑफ यू वाला करना है. ठीक है, वन कॉमन मिस्टेक इज डन बाय स्टूडेंट इज देयर, तो वहां पे वी हैव अ स्कोप टू कट योर मार्क्स. ठीक है, सेकंड थिंग, जब ये डिडक्शन में अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो वो डेरिवेटिव में मिस्टेक करते हैं. और थर्ड थिंग, विदाउट प्रूविंग फंक्शन एफ ऑफ यू और जेड ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करोगे तो मार्क कटते हैं. ऑब्वियसली ओके मैम, आप मन में वो कैलकुलेट कर लेते हो कि हाँ ये एक डिग्री का होमोजीनियस हो रहा है, तो वो मन के मार्क हम नहीं देंगे ना, आपको वो बताना पड़ेगा कि वो होमोजीनियस है, देयरफॉर यू आर अप्लाइंग डिडक्शन. तो डायरेक्ट जो यहां से स्टार्ट करते हैं उसके भी मार्क कटते हैं, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग दैट जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन. क्लियर? यस मैम, गॉट इट। ओके, चलो. एनी अदर डाउट? यस मैम, यस्टरडे इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी वर डूइंग डिफरेंट, हाँ, तो इन दैट आई गॉट द पॉइंट्स, बट नाउ लाइक फर्स्ट वी हैव टू डू दैट आर टी माइनस एस स्क्वायर एंड फाइंड द मैक्सिमा पॉइंट्स, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट, राइट? कंस्ट्रेंट तो आप कौन से वाले में बोल रहे हो, जो टाइप टू के टाइप वन, यहाँ पे ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो कंस्ट्रेंट आपको क्यों लेना है? कंस्ट्रेंट आप कब चेक करोगे? जब आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे, राइट? आई थिंक इन योर क्लास आई हैव डिस्कस दिस, यस राइट? यू हैव टू सॉल्व दिस. एक्चुअली इट इज गेटिंग टोटल फोर रूट्स, करेक्ट? बिकॉज इट्स अ फोर डिग्री इक्वेशन, सो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग फोर रूट. उसमें से हमको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है और बाकी के तीन आपका नल एंड वॉइड हो रहे हैं. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन गिवन कंस्टेंट है कि वॉल्यूम आपका 4m³ दिया है, तो ना वाई इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा, ना ये कॉम्प्लेक्स रूट सेटिस्फाई करेंगे उसको. सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द स्टेशनरी पॉइंट इज 2,2, राइट, बाय फाइंडिंग दिस. और उसके बाद वो पॉइंट पे आप आर टी माइनस एस स्क्वायर का दिखाओगे कि जो पॉइंट हमें बच के मिल रहा है स्टेशनरी पॉइंट, दैट इज द पॉइंट वेयर फंक्शन अटेन्स इज मैक्सिमा एंड मिनिमम, सॉरी इट्स अटेन इज मिनिमम वैल्यू, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन जीरो एट 2,2 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. ओके मैम, मैम दोस थ्री एग्जांपल्स वी आर डूइंग इट, वी वर डूइंग इट यस्टरडे. हां, या इसका फर्स्ट, हां, देयर द A constraint would be like x plus y plus z is 24. Hmm. So like हाँ, वो मैं आ रही हूँ. आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? That I am going to discuss today. Yes ma'am, that's from there. Oh, no, that is correct. Yeah, this I am going to discuss today. क्योंकि इसमें भी you have so many possibilities. Just remember how student is taking the function. वो भी तो vary करेगा ना. Have you discussed the first sum? We just discussed that how will the continued product be, like it could be x y square z cube or हाँ, मतलब वो थ्री से कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, राइट? एंड उन दैट केस आप जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे उस हिसाब से आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला पॉइंट होना चाहिए, राइट? So, जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, यहाँ पे यू हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब और वाई एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, आपने जो भी लिया है ऑब्वियसली जो आप फंक्शन टू वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल से टू वेरिएबल में रिड्यूस करोगे वो वेरिएबल करो जिसका पावर कम है, राइट? अदरवाइज इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर कैलक्यूलेशन. मैम यू आर शेयरिंग व्हाइट बोर्ड ना? बस वन सेकंड, आई एम जॉइनिंग विद द मोबाइल, जस्ट अ मिनट, इट्स टेकिंग टाइम. व्हाइट बोर्ड इज विजिबल इन बोथ.
यस यस मैम। ओके As we discussed yesterday, it will be depend on you whether you are taking x into y square z cube or z into x square y cube, whatever combination you are taking, y into x square y cube, right? Obviously, replace this variable only because it has only power 1. आपने यहाँ पे replace किया तो फिर उसका square या cube करके आपको फिर simplify करना पड़ेगा. So your constraint is x plus y plus z is equal to 24 given to you. So if someone is defining the function like this, ideally is replace this function. And if somebody is taking this, then ideal way is replace x and y. And if you are comfortable with x and y, please take your function like this. Means z should have the one power, x or y ka aapke hisab se aapka jo bhi mil raha hai. और उस हिसाब से यू विल चेंज योर कंस्ट्रेंट. और अगर कोई यहां पे कर रहा है तो यू विल रिप्लेस एक्स बाय 24 माइनस वाई माइनस जेड. एंड इन दिस केस व्हेन यू रिप्लेस दिस, दिस विल बिकम फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड इन अ टू वेरिएबल वेयर 24 माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब. इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको एक टू वेरिएबल का वाई और जेड में फंक्शन मिलेगा. राइट नाउ उसके बाद ये फंक्शन पे आप अप्लाई करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सो डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द पॉइंट्स. एक मिल रहा है, दो मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है. अगर ज्यादा मिल रहा है तो जितने भी पॉइंट ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हैं वो हर एक पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना पड़ेगा. मीन्स यू विल मेक दैट टेबल और उसमें से यू विल जस्टिफाई कि अगर दो तीन पॉइंट मिल रहे हैं कौन सा पॉइंट है जहां पे आपको ये मैक्सिमम लेना है या मिनिमम जो भी आपका क्वेश्चन है. आई थिंक फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज इज द क्वेश्चन राइट. यस मैम. हाँ yes. तो अगर दो तीन स्टेशनरी पॉइंट मिल रहे हैं जो ये क्राइटेरिया ये विच इज योर कंस्ट्रेंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो दोनों पेयर में आप सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करोगे एंड चेक द साइन ऑफ आर एन टी जहां पे मैक्सिमा की सेटिस्फाई करी दैट इज द रिक्वायर्ड पार्टीशन. क्लियर मैम. तो 0,0 भी चलेगा ना वाई एंड जेड की वैल्यू मतलब 0,0. हाँ मतलब इससे आएगा तो मिनिमम भी मतलब मैक्सिमाइज तो नहीं होगा वो स्टेशनरी पॉइंट लेकिन मतलब दे सकता है ना पहले पॉइंट आएगा पॉइंट आएगा बट व्हेन यू अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इट नॉट सेटिस्फाई दिस मैक्सिमा क्राइटेरिया. मैम हमें नेचुरल नंबर्स पूछे हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना. क्वेश्चन क्या है इट्स अ सिंपल पार्ट्स ऑफ 24. सो इफ यू आर टेकिंग 0,0 एंड 24 ऑब्वियसली इट वोंट सेटिस्फाई योर मैक्सिमा कंडीशन इज इट. हां यस मैम. राइट क्योंकि प्रोडक्ट फिर आपका कैसे मैक्सिमम आएगा वो तो जीरो ही हो जाएगा. यस मैम बट फॉर द केस ऑफ आरटी माइनस एस स्क्वायर दिखाना ही पड़ेगा ना उसके लिए क्योंकि इट इज अ स्टेशनरी पॉइंट. हाँ मतलब इट इज सेट. हाँ वो रियल नंबर आएगा तो वो वन ऑफ द पॉसिबल पॉइंट होगा बट क्योंकि आपको मैक्सिमम ढूंढना है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा. यू विल शो दैट वो टेबल ही दिखाओ ना दैट इज अ बेटर वे. ठीक है चलो. ऑल थ्री यू हैव डन और यू आर ट्राइंग सेकंड एंड थर्ड. नो वी आर ट्राइंग आई एम ट्राइंग
मैम सेकेंड वन का आंसर आ गया.
मैम ये तो म्यूटेंट ए2 से यार ऑन म्यूट। इसीलिए ये लोग कोई बोल भी नहीं रहे थे। ओके जस्ट टू रिवाइज हियर जेड इज गिवन टू यू फॉर थर्ड सम एंड द फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द ओरिजिन। ओके नाउ इफ यू रिमेम्बर फॉर अ डिस्टेंस फंक्शन एनी पॉइंट आर्बिटरी डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड टू द पॉइंट पी ऑफ ए बी सी इज x minus a whole square, y minus b whole square, z minus c whole square, square root, right? Here point is given is the origin, so a, b and c will be zero. So this is your formula or this is your function which is to be minimized because you want to find the closest point from the plane, right? Now instead of consider, so whether we minimize this function or whether we minimize square of this function, both will give you the same point, right? So instead of considering this square root, you will find a function f of x, y, which is square of this, so that this square root is removed. And this function, there you are substituting z is equal to 2x plus y minus 5. And then minimize this function to find out the value of x, y, and z. So this function x square plus y square plus z square, after substituting z value, whatever point you are getting, there you are applying first derivative and second derivative test. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, which point you are getting? Which point you are getting? Ma'am, solving. Solving, okay. Ma'am, you were on mute in D2. Oh, okay. Just a minute. Yeah, question number 2, your given data is x plus y plus z is equal to 27. Okay, and the function which is to be maximize hai ya minimize hai, kya tha? And minimize sum of their square, right? So function which is to be minimized, so it will be f of x, y, z is equal to x square plus y square plus z square. So it's a three variable function and this is the constraint. So from that substitute z value. This is 27 minus x minus y whole square and simplify it. Apply del f by del x equal to 0 and del f by del y equal to 0. So you are only getting 1 point, 9, 9, or any other point also? No, 1 point, 9, 9. Okay, right. So simplifying this, you are getting two values of x and y is 9, 9. At that point, you will apply RST and RT minus S square and you need minimum. So you need either this one of this is greater than and this has to be greater than. Then at 9, 9, it is minimum. Substitute here. So you will get your required third point. Clear? D2C? Yes, ma'am. Okay. So I hope this type of question where you have to create a point, you have to think about the function is clear to all. Yes, ma'am. Okay, now there is one alternative method which is not there in 2016, but it was there in 2012 syllabus and it has made the comeback in 2019. It's a method of Lagrange multiplier with one constraint. There is a method of Lagrange multiplier with two constraints also,
बट इन योर सिलेबस इट इज लैग्रांजे मल्टीप्लायर विथ वन कंस्ट्रेंट ओनली इन विच यू डोंट हैव टू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस मेथड द वे ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा इज टोटली डिफरेंट अप्रोच सो इफ यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल if it is asked to find solve this example then you can also solve by the method we have applied so far and if you comfortable with lagrange multiplier then the same example where constraints are given you can solve using lagrange multiplier method also or kuch example aate hain jahan wo specifically bolte hain Solve the following question using method of Lagrange multiplier. Then it is mandatory for you to apply this method. So if you are not comfortable with this method, then the constraint type of example, this type of example where something is given to be satisfied along with the other data, that is called the constraint. Constraint based example, if only one constraint is given, then you are also solve that example using Lagrange multiplier instead of applying first and second derivative. Am I clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, now, so this is the basic concept for Lagrange multiplier, what we are going to do, right? So suppose you are given three variable function, same you will apply for two variable mein ye z wali term aapki nikal jayegi, that's the only difference will be there. So I'm going with the three variable, usse aapko two variable likhna hai, it is easy for you. Okay, so if it's a three variable function is given and whose variables are subject to a constraint g of x y z equal to 0, so it is similar to this ke yahan pe divide 24 into 3 such part. So that constraint is nothing but this g of x y z equal to 0. तो अगर ये सेम एग्जाम्पल को मुझे अगर लैग्रांजे मल्टीप्लायर से करना है, यू विल बी द फंक्शन विच आई एम गोइंग टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. सो जो मैं फंक्शन बनाऊंगी वो, एंड कंस्ट्रेंट हियर विल बी 24. सो इट इज g of x y z equal to 0, that is x plus y plus z minus 24 equal to 0 will be my constraint there. Because constraint equation here is g of x y z equal to 0 and u is the given function for which you are finding maxima or minima. Okay, now you will have stationary point if del f by del x is 0, del f by del y is 0 and del f by del z equal to 0, right? So when you find direct derivative of this function, so you have to first differentiate this with respect to x into derivative of x, differentiate of derivative of f with respect to y into dy and with respect to 0, right? This is known as the direct differential or direct derivative of f using partial and direct derivative, right? So it is like aapne gradient padhe ho na aap physics mein, scalar and gradient. So it is little bit similar to that. करस्पॉन्डिंग ये आपकी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो आता है यहाँ पे, उस तरह का कुछ है. इफ दैट इज क्लियर देन दिस यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस डायरेक्ट डेरिवेटिव इज डिफाइंड ओवर हियर. ओके, सो इट इज यही फंक्शन को डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डी वाई एंड डेल एफ बाय डी जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0. सो एंड वी ऑल्सो डिफरेंशिएट जी विद द सेम मेथड because it is g of x y equal to 0 and since this are 0, we can consider direct derivative is also 0 here. Okay, so this is given equation 1 and 2. Now what we will do, yahan pe we will multiply, we add this function and multiply this quantity with lambda, right? So del f by del x plus lambda into del g by del x into dx and this equal to 0. So combining these two function, we are defining one this quantity, right? And isko solution kab milega? If ye bracket mein jitni value hai wo sari value aapki 0 hogi, right? Ignore this df by dz. If del f by del x plus lambda into del g by del x is 0,
डेल एफ बाय डेल वाई प्लस लेमडा इंटू डेल जी बाय डेल वाई इज जीरो एंड डेल एफ बाय डेल जेड प्लस लेमडा इंटू डेल जी बाय डेल जेड इज जीरो. मतलब आपको जो फंक्शन के लिए कंस्ट्रेंट मतलब मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है सो यू नीड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन योर कंस्ट्रेंट फंक्शन राइट. सो यू नीड टू फाइंड दिस लेमडा वैल्यू एंड such that your function should satisfy your given constraint. And this equation together with g equal to 0 determine the value of x, y, z and lambda. This is the basic concept and luckily you don't have the theory. So we directly go for the working rule what we are going to do. This will be given to you subject to the constraint. So from the data, you have to identify what is your function and what is your constraint. You define that. Then you define Lagrange's function. Now Lagrange's function is defined with the four variable or the variable and the constraint constant, that is we call it as lambda. So here three variable function is there. So Lagrange function is defined with this three independent variable and the constraint constant, that is lambda. And it is defined as f of x, y, z plus lambda into g of x, y, z. And this function will have a solution. For that, you need to differentiate this with respect to x, differentiate this with respect to y, and differentiate this with respect to z. Because this function has a solution or has a maxima minima value if this function will have. Aur uske liye you have to consider both the value. तो सॉल्विंग अबव इक्वेशन सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट. जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो साथ में आपका कंस्ट्रेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड दिस वैल्यूज ऑब्टेन आर दी स्टेशनरी वैल्यूज और जो भी वैल्यू आएगी यू डोंट हैव टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा. उसके आंसर उस वैल्यू को गिवन फंक्शन में लिख के जो भी आंसर आएगा फ्रॉम आंसर यू विल जस्टिफाई व्हाट इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज मिनिमम. Okay, so this is the working rule. Write that. Then. So I'll take one example. Pay attention to that one example. Example करने के बाद if you have a doubt, you please ask. Don't think in advance. Let me first complete explanation of first example. उसके बाद if you have a doubt, you can ask. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Shall we go ahead? Yes, ma'am. Okay, write down. Written. Yes, ma'am. Okay, now. So you have to find greatest and smallest value. That means obviously you have to find maximum and minimum value for the function takes on the ellipse. So this is the curve where the given function will take maximum and minimum value, and those value you have to determine. Means you have to find the first of all points ऑन द एलिप्स जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा अटेंड करेगा और वो पॉइंट मिलने के बाद यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑन द फंक्शन टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. सो दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर कंस्ट्रेंट एंड सिंस द कंस्ट्रेंट इक्वेशन इज जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो सो हियर योर कंस्ट्रेंट इक्वेशन विल बिकम टेकिंग दिस माइनस वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड.
you have to write p equal to 0 form. So here function is f of x y, subject to the constraint g of x y is x square by 8 plus y square by 2 minus 1 equal to 0. This is clear? Yes, ma'am. Okay, now, okay, so now you have f, now you have this g. So we define Lagrange's function with variable and a constant lambda. So f of xy plus lambda into g of xy. So f of xy is xy, lambda as it is, and g of xy is this function x square by 8 plus y square by 2 minus 1. Right? And for stationary point, we will partially differentiate this complete function with respect to x and with respect to y, because our independent variable here is x and y only. This will be a constant which value we will determine along with x and y. Am I clear? Yes, ma'am. This is a function of two independent variable, x and y only. So for stationary point of this Lagrange function, you will partially differentiate with respect to x and with respect to y equal to 0. So if I partially differentiate with respect to x, I will keep y constant. So I am getting y plus 2x by 8. So it is lambda into x by 4. This two term will be 0. So I am getting my first equation. And same way, if I partially differentiate with respect to y, I am getting x plus y into lambda equal to 0. Equation 1 and 2 is clear? Yes. Okay. Yes, now, again, same scenario, simultaneous equation. So you will solve this equation. And yahan pe bhi yahan pe fraction mein aa raha hai. I mean, if there is a denominator, so yahan se y ki value ya x ki value yahan pe substitute karna will be easy to determine the value of x and y. Aur x and y milega, to aapko yahan se uski lambda ki value bhi mil jayegi. Right? So this is what I have done. So there are two equations you are solving. One is y and one is for lambda. This is clear? Any doubt, anyone? Okay. So here also same scenario, two simultaneous equation, but it gives you two cases. One is for y and another is for lambda. So if you substitute y equal to 0, then this we are getting from substituting 2 in 1. So if you substitute y equal to 0, you are getting x equal to 0. Right? It gives stationary point 0, 0. And yahan pe you have to think about the constraint. What is the equation of ellipse? Here. So this ellipse does not pass through the origin. आपको इलिप्स के ऊपर के पॉइंट ढूंढने हैं, राइट? सो 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई योर गिवन कंस्ट्रेंट. दिस केस इज क्लियर एवरीवन? व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग 0 कॉमा 0? यस मैम. ओके, आपको आपको क्या करना है? इलिप्स आपका रीजन हुआ, राइट? योर रीजन इज एन इलिप्स. इलिप्स के ऊपर के पॉइंट ढूंढने हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट एंड फॉर विच यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई. वो फंक्शन इलिप्स के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा अटेंड करेगा. आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं. तो जब आप लाग्रांजे फंक्शन पे स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग वन ऑफ द पॉइंट इज 0, 0, बट इट डज गिव यू स्टेशनरी पॉइंट फॉर लाग्रांजे फंक्शन, बट दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू योर इक्वेशन ऑफ इलिप्स. एम आई क्लियर? यस मैम. एंड दैट इज व्हाई इवन दो यू आर गेटिंग 0, 0, बट वी डू नॉट कंसिडर एज द पॉसिबल पॉइंट वेर गिवन फंक्शन मे अटेंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो आई होप केस वन इज क्लियर टू ऑल. यस मैम.
राइट। इसका मतलब क्या हुआ, वाई इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू जीरो की कोई वैल्यू आ रही है, वो पॉइंट डेफिनेटली कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो हमारे एक पॉसिबल पॉइंट से हट गया। नाउ वी गो विथ दैट गिव्स अस वन कंक्लूजन दैट वाई इज शुड बी नॉन जीरो एंड द सेकेंड केस इज लेमडा इक्वल टू प्लस और माइनस टू। सो अब लेमडा इक्वल टू प्लस और माइनस टू लेके now you will find out corresponding value of x and y and that is definitely gave you the maximum or minimum value. Am I clear? Okay, so from case 1, since it is not possible, so here case 2 ke liye obviously lambda is plus or minus 2 is the case and we can conclude that for this definitely y should not be 0. Because y equal to 0 is giving a point which is not satisfying the constraint. Right? So now we substitute this in equation 2. Here, where lambda equal to plus or minus 2 we are substituting. So we have x value is equal to plus or minus 2y. Yes. Right? Matlab aapko x aur y ka koi relation mila jab aap lambda ke liye solve karte ho. अभी वो रिलेशन के ऊपर से x और y की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैसा पॉइंट चाहिए जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हो, करेक्ट। वी नीड अ पॉइंट विच इज सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, एग्री? यस। ओके, नाउ इफ वी नीड अ पॉइंट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, तो लैम्डा इक्वल लैम्डा की वैल्यू के लिए एक्स और वाई का जो भी रिलेशन मिलता है वो रिलेशन को आप कंस्ट्रेंट में डाल के चेक करोगे एक्स और वाई की वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमको वो एक्स वाई की पेयर चाहिए जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हो, सो वी सब्स्टिट्यूट दैट रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन टू द इक्वेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट। And here equation of the constraint is what? X square by 8 plus y square by 2 minus 1 equal to 0. Right? That is your constraint equation. So substituting there, ya to x ki value likho ya y ki value likho accordingly. Y ki value likhogi to wo negative ke form mein aayega, right? So substituting that, you are getting two values of y plus or minus 1. And correspondingly substitute here, you will get the value of x is plus or minus 2. Am I clear? Okay. Yes, now, y equal to plus 1 minus 1. Just a minute. Yeah. Y equal to plus or minus 1. X is equal to plus or minus 2y. Right? So it will give you two possibility, again plus and minus 1. So two values of y, two values of x, you will get the corresponding four point. One is 1, 1, 1 x comma plus minus 2 is plus or minus 2. 1, 2, 1, -2, -1, 2, and -1, -2. Right? This is important. Yes. Everyone clear? -2, -1, -2, -1, right? So these are the point. Extreme value के लिए चारों point पे आप ढूंढोगे तो दो point आपको maxima देंगे, दो point आपको minima देंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है -2, राइट? दैट यू विल फाइंडिंग बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। क्योंकि ये भी आपको लोकल मैक्सिमा देगा, लोकल मिनिमा देगा, तो व्हाट एवर पॉइंट यू आर गेटिंग, एक वैल्यू आपको मैक्सिमम देगी। आपको एक्सिम वैल्यू ढूंढनी है, आप चेक करो दो पॉइंट के लिए वो मैक्सिमम देगा, दो पॉइंट के लिए वो मिनिमम देगा। क्लियर? यस। यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट आने के बाद यू डोंट हैव टू अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो भी पॉइंट आएगा
आप विच इज सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट उसको फंक्शन में डाल दो, दैट इज गिविंग यू रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. एम आई क्लियर? जितने भी पॉइंट आएंगे यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट, एंड जो भी वैल्यूज आएंगी उसके ऊपर से यू विल गिव व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड एट व्हिच पॉइंट यू आर गेटिंग. ओके, यहाँ पे ये केस ऐसा आ रहा है कि दो मैक्सिमम दे रहे हैं, दो मिनिमम दे रहे हैं. कभी कभी ऐसा आएगा किसी के लिए 1-1, मतलब ऐसे कोई पॉइंट आए, वैल्यू आपकी ऐसी आई, तो जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है वो चार वैल्यू में से वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसके लिए मिनिमम है वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी. क्लियर? व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स विल डू इन दिस एग्जांपल? यहां तक सब करेक्ट करते हैं, इसके बाद उनको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट याद आता है, तो इसके लिए और टाइम बिगाड़ के आर ढूंढेंगे, एस ढूंढेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ लैग्रांजे मेथड. लैग्रांजे मेथड क्या बोलता है कि आप एक स्टेशनरी पॉइंट ढूंढो विच इज सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट, वो पॉइंट मिलने के बाद जस्ट सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यू इन द गिवन फंक्शन एंड कंपेयर द आंसर. वॉट एवर द हाइएस्ट इज योर मैक्सिमम, वॉट एवर द लोएस्ट इज योर मिनिमम. सो डू नॉट मिक्स अप लैग्रांजेस प्रोसेस टू योर normal maxima minima method, that is first derivative and second derivative form. Am I clear? Yes, yes ma'am. Okay, yes. Anybody else having doubt? Yes ma'am, jo wo lambda lenge to uska waisa matlab hamesha quadratic milke solve ho jayega kya pehle? Haan. Matlab see, whenever you are solving, जैसे यहाँ पे दो केस आए, राइट? कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपको सिर्फ लैम्ब्डा का ही केस मिलेगा, तो लैम्ब्डा के केस को लेके आपको एक्स और वाई का पहले एक रिलेशन ढूंढना है और वो रिलेशन को कंस्ट्रेंट में सेटिस्फाई करना है, क्योंकि लैम्ब्डा इज डिपेंडिंग ऑन योर कंस्ट्रेंट फंक्शन, राइट? मतलब लैम्ब्डा की वैल्यू के ऊपर से एक्स वाई का जो रिलेशन मिलता है वो एक्स वाई ढूंढने के लिए देर इज अ नेसेसिटी दैट वैल्यू शुड सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट. तो लैम्ब्डा की वैल्यू को सॉल्व करके यू हैव वन रिलेशन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सब्स्टिट्यूट इन योर गिवन कंस्ट्रेंट इक्वेशन. ओके, राइट? एंड दैट इज गिव यू द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. और सिर्फ लैम्ब्डा का कुछ आता नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू आएगा तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट ऑर्डर पेयर मिल जाएगी और वो एक्स और वाई मिलने के ऊपर से लैम्ब्डा वैसे से भी मिलेगा, क्योंकि लैम्ब्डा की वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड करती है. हाँ, यस, राइट? अगर सपोज ये एक ही कंडीशन मिलता तो एक्स मिलता आपको वाई मिलता, एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको लैम्ब्डा मिल जाता. योर टारगेट इज टू फाइंड आउट एक्स वाई एंड लैम्ब्डा, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस द कॉन्स्टेंट लैम्ब्डा. यहाँ पे केस ऐसा आ रहा है कि एक इक्वेशन सिर्फ वेरिएबल पे है और एक इक्वेशन लैम्ब्डा पे है, तो जब वेरिएबल का इक्वेशन है उसके ऊपर से डायरेक्ट आपको करस्पॉन्डिंगली एक्स वैल्यू मिल जाएगी अगर वैल्यू वैसी है, या तो फिर लैम्ब्डा के रिलेशन में मिलेगा. और लैम्ब्डा के लिए जब आप सॉल्व करते हो तो फाइंड द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्ब्डा विच शुड सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट एंड दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई. Okay. Yes, ma'am. So we will see some more example of Lagrange multiplier tomorrow. So it will complete the half module of module 4. And after that, we will finish the module 4 by taking the next topic, which is successive differentiation. Okay. Ma'am, we have not taken attendance in D2C. Sorry. मैम अटेंडेंस अटेंडेंस लिया ना मैंने. ओ डी टू सी ओ सॉरी आई थॉट आई हैव टेकन सॉरी ना